अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टेलीप्राइम की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि किसी भी ट्रांजैक्शन को देखकर कैसे पहचाने कि उसे टेलीप्राइम में किस वाउचर में रिकॉर्ड करना है। इसके पहले के दो वीडियोस में हमने आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स और टैली में अकाउंटिंग वाउचर्स क्या हैं और उनके उपयोग के बारे में बताया था। आज हम उसी आधार पर आगे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। हमने आपको मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस के बीच जर्नल के बारे में बताया था और वहां कुछ ट्रांजैक्शंस भी बताए थे। उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस और दूसरे कुछ और ट्रांजैक्शंस हम आपको यहाँ बता रहे हैं और इन्हें देखकर आपको ये निर्णय करना है कि किस ट्रांजैक्शन को किस वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। हम आपको एक एक ट्रांजैक्शन दिखाकर सोचने के लिए 10 सेकंड का समय देंगे। यदि आप सही निर्णय कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम तो आपको बताएंगे ही कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए एक एक करके ट्रांजैक्शन देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन है, 1 अप्रैल को हम व्यापार प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए नकद पूंजी यानी कैपिटल लाए। अब आप सोचिए कि ये ट्रांजैक्शन किस वाउचर में रिकॉर्ड होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं, यहाँ पूंजी के रूप में नकदी आई है और जैसा कि हमने आपको बताया था कि नकद या बैंक के माध्यम से कोई भी प्राप्ति होती है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। दूसरा ट्रांजैक्शन, 5 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा करके खाता खोला। अब आप सोचिए ये किस वाउचर में जाएगा। अब हम आपको बताते हैं, इस ट्रांजैक्शन में नकद रुपए बैंक में जमा किए गए हैं और जैसा कि हमने आपको बताया था, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में रुपया आता या जाता है तो इस तरह की ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला ट्रांजैक्शन है, 6 अप्रैल को राम शर्मा को नकद 2,000 रुपए उधार दिए। यहाँ हमने राम शर्मा को नकद रुपया दिया है और जैसा कि हमने आपको बताया था, नकदी या बैंक के माध्यम से कोई भी पेमेंट किया जाता है तो इस तरह के ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला ट्रांजैक्शन है, 6 अप्रैल को व्यापार के लिए 51,000 का माल नकद खरीदा। इस ट्रांजैक्शन को देखने से ही स्पष्ट है कि खरीदी की गई है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, 6 अप्रैल को हमने जो माल खरीदा था उसका गाड़ी भाड़ा 100 रुपए नकद दिया। देखिए यहाँ नकद भुगतान किया गया है यानी इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन है, हमने जो माल खरीदा था उसे 7 अप्रैल को 75,000 रुपए में नकद बेच दिया। इस ट्रांजैक्शन को देखने से ही स्पष्ट है कि माल को बेचा गया है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। 10 अप्रैल को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 23,000 रुपए का चेक देकर मोटरसाइकिल खरीदी। अब यहाँ पर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से भुगतान किया गया है
इसलिए इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन है, 1 मई को हमने मोहन को अप्रैल माह की तनख्वाह 5,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक से दी। यहाँ हमने कर्मचारी की तनख्वाह का भुगतान बैंक से किया है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। 1 मई को हमने जो माल किसी व्यक्ति को अशोक ट्रेडर्स से दिलवाया था, अशोक ट्रेडर्स से हमें उसका कमीशन 5,000 रुपए चेक द्वारा प्राप्त हुआ, जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में डिपॉजिट किया। देखिए, यहाँ हमें चेक के माध्यम से कमीशन प्राप्त हुआ है, मतलब हमें प्राप्ति हुई है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को रिसीट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। 1 मई को हमने सुपरमार्केट से 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। इस ट्रांजैक्शन को भी देखने से स्पष्ट है कि खरीदी की गई है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को परचेज वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, 3 मई को हमने सुपरमार्केट से जो माल खरीदा था उसे मोहन ट्रेडर्स को 15,000 रुपए में बेच दिया। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को देखने से ही स्पष्ट है कि माल को बेचा गया है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को सेल्स वाउचर में रिकॉर्ड किया जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन, हमने 15,000 रुपए का जो माल मोहन ट्रेडर्स को बेचा था वो खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने हमें 5 मई को वो माल वापस कर दिया। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें तो हमने जो माल बेचा था खराब होने से वो खरीदार ने वापस कर दिया, यानी ये सेल्स रिटर्न है। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न को हम क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे। अगला ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, 8 मई को आशा एंटरप्राइजेस से हमने 25,000 रुपए का फर्नीचर उधार खरीदा। इस ट्रांजैक्शन में उधार फर्नीचर खरीदा गया है, यानी खरीद तो हुई है पर ये खरीद फिक्स्ड असेट्स की है। और जैसा कि हमने आपको परचेज वाउचर में समझाया था कि इस तरह की खरीद को हम परचेज वाउचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इस ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? हमने आपको जर्नल वाउचर में बताया था कि यदि कोई ऐसी वस्तु हम उधार खरीदते हैं जो बेचने के लिए नहीं है, यानी हम जिसका व्यापार नहीं करते हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये फर्नीचर हमने उधार खरीदा था, यदि नकद खरीदा होता तो इस ट्रांजैक्शन को हम सीधे पेमेंट वाउचर में रिकॉर्ड करते। अब है अगला ट्रांजैक्शन, 8 मई को मोहन ट्रेडर्स से हमें जो माल वापस आया है उसे हमने सुपरमार्केट से 10,000 रुपए में खरीदा था, उस माल को हमने वापस सुपरमार्केट को भेज दिया। यहाँ हमने जो माल सुपरमार्केट से खरीदा था वो उससे ही वापस कर दिया है, यानी खरीदा हुआ माल वापस कर दिया है, तो ये हुआ परचेज रिटर्न। और जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि परचेज रिटर्न को हम डेबिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, 10 मई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक द्वारा 5,000 रुपए नकद निकाले।
इस ट्रांजैक्शन में बैंक से नकद रुपया निकाला गया है और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट में या बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट में रुपया आता या जाता है, तो इस तरह का ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रा वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। आखिरी ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमें अशोक ट्रेडर्स से जो कमीशन का 5,000 रुपए का चेक प्राप्त हुआ था, वो 12 मई को बैंक से डिसऑनर होकर यानी चेक बाउंस होकर वापस आ गया। यहां इस ट्रांजैक्शन में चेक डिसऑनर हो गया है। अब आप सोचें कि इस ट्रांजैक्शन को हम कौन से अकाउंटिंग वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं? ना तो ये पेमेंट है, ना रिसीट है, ना खरीद है और ना ही विक्रय। तो यहां ध्यान दें, हमने आपको बताया था कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो किसी वाउचर में रिकॉर्ड नहीं हो पाते हैं, उन्हें जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जर्नल वाउचर में। इस वीडियो में हमने ट्रांजैक्शन कैसे पहचानते हैं ये सीखा। अगली वीडियो में हम आपको कंपनी फीचर्स जिसकी शॉर्टकट की F11 है और कॉन्फ़िगरेशन जिसकी शॉर्टकट की F12 है, इनके बारे में बताएंगे। इन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है क्योंकि टैली में काम करते समय हमें बार बार इनकी मदद लेना होती है और इसके बाद हम टैली प्राइम में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे।